मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऐसा हुआ है 2018 पीएससी में कि एक इकोनॉमिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ने मैथ्स में टॉप किया था, टॉप और इंजीनियर ने इकोनॉमिक्स में टॉप किया था पेपर फाइव में। पेपर सिक्स फिलॉसफी और सोशियो के साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ का ट्राइब कल्चर भी है जिसे मैं इधर शामिल कर रहा था, वो इधर पेपर सिक्स में है। इसके लिए क्या अलग स्ट्रैटेजी रही क्योंकि फिलॉसफी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी 2021 के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों के बाद लगातार आप हमसे सफलता की कहानी सुनते जा रहे हैं और इसी सफलता की कहानी के सिलसिले को बरकरार रखते हुए पंकज सेतपाल जी हमारे साथ बैठे हैं और बहुत बहुत बधाइयां आपको डीएसपी पद के लिए। आपको इस वर्ष 33वीं रैंक हासिल हुई है और पंकज जी का ये चौथा प्रयास था, इससे पहले 3 पद ले चुके हैं। पहले प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, दूसरे प्रयास में पद मिला, तीसरे में मिला और तीसरे के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर ली थी और फिलहाल अभी डीएसपी का पद प्राप्त हुआ है। उम्मीद है अगले साल आप प्रयास करेंगे तो डिप्टी कलेक्टर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वर्दी की ये जॉब भी बहुत अच्छी है। तो पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आइए सबसे पहले हम इस बातचीत में समझते हैं आपका स्कूल बैकग्राउंड कैसा रहा, कहाँ से पढ़ाई की आपने, एजुकेशन के बारे में प्लीज़ बताएं। सर मैंने कार्मल पब्लिक स्कूल से 10th तक पढ़ाई की थी, फिर 11th-12th जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर गया था मैं, उसके बाद फिर कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, वहाँ पर मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था। ओके, और आप हैं कहाँ के? तिल्दा। अच्छा, तिल्दा के हैं, बहुत बढ़िया। राइस मिल के लिए, पोहा मिल के लिए जाना जाता है तिल्दा। जी सर। और विशेष बात यह है कि तिल्दा बिल्कुल नज़दीक है रायपुर शहर के। एनआईटी के बाद कभी ये नहीं लगा कि आपको टेक्निकल साइड में जाना चाहिए? नहीं सर, मुझे जब लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए तो मैं एकदम से जंप नहीं किया, मेरे को थर्ड ईयर से ही लगने लग गया था। तो मैंने साल 6 महीना एक्चुअली सोचा, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के देखे कि मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर फाइनली मैंने फाइनल ईयर तक डिसाइड कर लिया था कि अब सिविल सर्विसेज में जाना है और अब ओखली में सर दे दिया। बहुत बढ़िया। दे दिया। कोई मोटिवेशन रहा कॉलेज या स्कूल टाइम पर जिसको देख कर आपने सोचा हो कि हाँ इस फील्ड में जाना है? सर ऐसा किसी पर्सन को देख के नहीं लगा था, बाकी देखते थे सिविल सर्विसेज में सीनियर्स जाते थे, काफी सीनियर्स ऑप्ट कर रहे थे तो उसको देख के लग रहा था। उनसे पूछा हमने कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं और उनकी जो गोल्स थे, उनके जो डिजायर्स थे, वो हमारे डिजायर्स के साथ रेजोनेट कर रहे थे, तो हमको लग रहा था कि हाँ ये करना हमारे लिए बेहतर होगा। कोई ऐसा सीनियर जिसे आप याद रखते हो अभी जॉब में हो वर्तमान में? सर पहले तो 2019 के टॉपर निधि नंदिया सर, वो मेरे ही कॉलेज में, मतलब सीनियर से जी, वो सिविल के ही सीनियर थे। और दूसरा आशीष सोनी सर है, वो सीटीआई के पोस्ट पे अभी हैं, तो उन दोनों से ही मैंने शुरुआत में पूछा था कि क्या कैसे करना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओवरऑल सीजीपीएससी को ही आपने एक लक्ष्य बनाया, यूपीएससी कभी आपने सोचा नहीं पंकज? सर उस टाइम कॉलेज टाइम इस तरह से दिमाग चला कि पहले सीजीपीएससी 1-2 साल करते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर यूपीएससी में जम करेंगे। अब 4 साल इसी प्रोसेस में चले गए, अब करेंगे आगे इसके बाद। जब आपने एनआईटी ज्वाइन किया था उस वक्त कहीं दिमाग में था कि टेक्निकल जॉब के अलावा भी कुछ सोचना है? सर एक्चुअली एनआईटी में भी मैंने सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच लिया था, मुझे यही लगता था कि मैं मशीनों से ज़्यादा इंसानों के साथ काम करना चाहता हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग में यही होता है कि वो टेक्निकल है बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। बहुत बढ़िया। फिर जब और मैंने 2-3 साल वहाँ दिए कॉलेज में, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, मैंने अपने गोल्स को बेहतर समझा, क्योंकि आप जब 15-17 एज के होते हो तो आप वही सब करते हो जो सब करते हैं। बिल्कुल ठीक। कॉलेज में एक्चुअली इंजीनियर थर्ड ईयर में जाके एक्चुअली सोचते कि मेरे को बड़ा होकर क्या बनना है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब सिविल सर्विसेज में जाना है। तो कॉलेज में क्या आपको समय मिलता था पढ़ने के लिए, लाइक दिन के शेड्यूल में कभी ऐसा हुआ कि आप पढ़ाई कर लिए या एनसीईआरटी पढ़ लिए? सर कॉलेज जैसे ऑफ हो जाता था 5:30 बजे, तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ने के लिए भरपूर टाइम मिलता था और उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है एनआईटी में, तो बन जाता था। सर बहुत बढ़िया। ओवरऑल एग्जामिनेशन आपका हर साल बेहतर होता गया, आपकी रैंक भी ठीक होती गई, अभी जिस पद पर हैं उसके बारे में प्लीज़ बताएं। सर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है इसमें स्टेट टैक्सेस पहले होते थे वैट, सेल टैक्स, और अभी होते हैं जीएसटी
तो वैट की जो रिकवरी होती है पुरानी पेंडिंग होती है, असेसमेंट्स पेंडिंग होती है, तो उसको हम इंश्योर करते हैं कि वो स्टेट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो। ओके। और जीएसटी के जो भी रूल्स हैं उससे हम कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, देखते हैं कि फर्म्स जेन्युइन है या फिर बोगस जीएसटी नंबर लिया गया। इनफैक्ट अभी एक ड्राइव भी चल रही है 16 मई से 16 जुलाई तक, जिसमें हम बोगस फर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने सिस्टम से अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मतलब उनको ठीक करने की एक मुहिम। किसी ने जेन्युइन जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है, सिर्फ गलत फर्म है ही नहीं और उसने जीएसटी नंबर ले रखा है कागजों पे, तो उसको हम लोग कैंसिल करके हटाएं ताकि वो हमारी ट्रेजरी को लॉस ना कर पाए और एक ट्रैक रिकॉर्ड सबका बना रहे। जी सर, बहुत बढ़िया। पंकज, क्या कॉन्फिडेंस आया इस जॉब में आने के बाद? आपको किसी मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि आप NIT के प्रोडक्ट हैं और आप आकर टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब में हैं, तो कहीं कुछ परेशान अंदर कर रहा था ये पद? नहीं सर, सर इंजीनियरिंग इंजीनियर पानी होता है वो ढल जाता है। बहुत बढ़िया। एंड सर इस जॉब में आने पर मुझे एक्चुअली जॉब में आने से पहले एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने, जो कि अभी DSP हैं, उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में ना उनको एक ऑफिसर दिखना चाहिए। तो बात मैंने सुनी उस टाइम, लेकिन इस बार जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो वो चीज़ मेरे को समझ में आ रही थी कि क्या डिफरेंस होता है जॉब में आने से पहले और जॉब में आने के बाद। जी जी, आपके माइंडसेट में। बहुत बढ़िया। सो जॉब के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ मैं सीधे DC बनता या DSP बनता तो ज़्यादा मज़ा आता? किसी टाइम पर ऐसा महसूस हुआ आपको? डेफिनेटली सर, होता है ऐसा, लगता है सर। आप जब प्रयास करते हैं तो हर कोई चाहता है कि मैं रैंक वन लाकर DSP की पोस्ट, DC की पोस्ट सिक्योर करूं, तो वो रहता है। बट वो जॉब भी अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था। इनफैक्ट वहाँ पर रह के आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो सब चीज़ें देखते हैं जो आप ऊपर से नहीं देख पाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई डोंट रिग्रेट इट नाउ। बहुत बढ़िया, नहीं अच्छी बात है, जॉब तो सभी बराबर है। पंकज, वहाँ रहते हुए जो पढ़ाई को मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे भी हैं जो जॉब में हैं, कुछ प्राइवेट में, कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, इवन दो वो शेड्यूल मैनेज करने का उनका जो चैलेंज है उसको आपने कैसे ओवरकम किया होगा वहाँ पर? सर इसमें एक चीज़ होती है कि आपकी लोकेशन और आपके सीनियर, इमीडिएट सीनियर जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस में। तो उनसे अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। और उसके अलावा सर आप देखेंगे कि 10 बजे आपका ऑफिस खुल रहा है, उसके पहले सुबह का जो पूरा टाइम है, पूरा टाइम शाम को 5:30 के बाद ऑफिस बंद होता है, उस टाइम है अगर आप टाइम को वेस्ट नहीं करते, लंच ब्रेक है या कहीं पे आपको लग रहा है कि ऑफिस टाइम में कि कहीं पर आप रुक गए हो, कहीं पे किसी का वेट कर रहे हो, आपके पास फोन है, कुछ नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं तो करंट अफेयर्स देख लो। जी जी, तो टाइम को वेस्ट ना करो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, जहाँ अगर जॉब में आने के बाद अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि मुझे 4 घंटा 5 घंटा एकांत में पढ़ना है, तो फिर छोड़ दीजिए, पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल, वो ऑन द मूव, आपको ऑन द गो, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो रास्ते में चालू हो जाएगी, वैसे ही हो पाता है। मुझे याद है आपका ऑफिस सिविल लाइन के बगल में ही है, पाथेइस एकेडमी के, तो अक्सर हमारी मुलाकात इवनिंग में हुई है और जब भी आपको समय लगा है आपने बातचीत की, सलाह ली कि सर कैसे क्या करना चाहिए, आगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। सो मुझे लगता है कि सभी जॉब वालों को एग्जैक्टली बहुत लंबा समय नहीं मिल सकता पढ़ने के दौरान, तो जब जो समय मिले वो कर लेना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, खासकर आप सोशल मीडिया या TV से दूरी बना लें तो मुझे लगता है बहुत सारा समय मिल सकता है पढ़ने के लिए। पंकज, जो पहले के एग्जामिनेशन थे और इस साल के जो एग्ज़ाम हैं, उनमें ऐसा क्या आपने स्पेशल किया जिससे आपकी रैंक भी बढ़ गई, मार्क्स भी बढ़ गए, तो उन सब्जेक्ट्स में कहाँ प्रॉब्लम आई, तो इसके बारे में एक बार डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज से शुरू करते हैं, लैंग्वेज में परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी? सर लैंग्वेज में मोस्टली मेमोराइजेशन बेस्ड होता था जी, तो वहाँ पर तो शुरू और बाद में ज़्यादा प्रेजेंटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, आप जितना मेमोराइज करेंगे उतना बेहतर होगा। उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप कंपोज्ड होते हैं ना, तो कभी कभी आपको स्ट्राइक कर जाता है, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं बोलियां सुनते आ रहे हैं भाषाएं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किताब में नहीं पढ़ा लेकिन आपको स्ट्राइक कर जाता है, पर इसके लिए चाहिए ठंडा दिमाग, तो ये एक चीज़ होती है। उसका पेपर 2 जो था ऐसे, उसमें खासकर सर PSC 2020 में मेरे 84 मार्क्स पास आए थे, सबसे कम मार्क्स आए थे। फिर मैं आपसे जो मिला था मुझे इंट्रोडक्शंस, क्योंकि सर इंट्रोडक्शन अगर इंप्रेस नहीं कर पाया तो ऐसे इंप्रेस नहीं कर पाएगा, तो जो आपने इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था वो मेरे काम आया। एंड सेकेंडली थोड़ा मैं पहले ऑर्थोडॉक्स एसेज लिखा करता था पैराग्राफ स्टाइल में,
क्योंकि मेरे को डर लगता था कि उसमें पॉइंट्स में लिखूंगा तो सीनियर प्रोफेसर से मार्क्स काट देंगे। इस बार मैंने थोड़ी ऑडेसिटी दिखाई, मैंने अनकन्वेंशनल स्टाइल अडॉप्ट किया और मुझे मार्क्स मिले हैं, तो मुझे तो ऐसा मिला है। अब आप पैराग्राफ पॉइंट्स दोनों को शामिल किया आपने एक तरह से कह सकते हैं। ओके ओके, सो जो ऐसे राइटिंग था इंट्रोडक्शन में, हमारी तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई है ऐसे को लेकर। दोस्तों ऐसे को लेकर एक विशेष लगाव रहा है मुझे, सो इत्तेफाक से पंकज भी कांटेक्ट करते रहे, हम ऐसे पर काफ़ी करेक्शन वर्क करते रहे, आप क्लिक कर लेकर आए, तो आपने स्पेशल क्या काम किया प्लीज़ दर्शकों को बताएं, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या ऐसा विशेष आपकी तैयारी रही? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं क्या करता था कि एक स्पेसिफिक चीज़ को हिट करता था और उसके अराउंड मेरा इंट्रोडक्शन घूमता था। फिर जैसा सर ने गाइड किया कि उसको थोड़ा ब्रॉडन करके, कैनवास को ब्रॉडन, ताकि उस एक इंट्रोडक्शन को पढ़ के उसको समझ जाए कि इसका पूरा ऐसे किस तरफ जा रहा है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, तो वो मैच्योरिटी आना। इसके अलावा जैसे मैं कुछ स्टोरी वगैरह बनाता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि उस स्टोरी को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। बहुत बढ़िया, और हो सकता है सामने वाले के पास टाइम और एनर्जी ना हो, तो आप कोशिश कीजिए कोट्स अभी भी बेहतर हो, क्योंकि कोट्स 3 सेकंड में दिख जाते हैं, और कोट ना भी तो उसके नीचे जो नाम लिखा रहता है वो ना पुरुष का, वो 3 सेकंड में दिख जाता है, स्टोरी पढ़ने में उसको 3 मिनट लग जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो ऐसे पर हम डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक वाइज? यस सर। कोई पर्टिकुलर ऐसे डिस्कस करना चाहेंगे? सर लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन के वॉर पे ऐसे आया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने सारे एलिमेंट्स को इंट्रोडक्शन में शामिल किया था कि किस तरह से पीस से लेकर इकोनॉमी से लेकर बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस इन सब पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर मैंने एक टाइमलाइन बनाई थी रशिया यूक्रेन सेपरेशन की, एक डायग्राम के रूप में। बहुत बढ़िया, तो वो सब चीज़ें मुझे बेनिफिट कर गई। और मैंने, लोग सिर्फ 2-3 एस्पेक्ट्स पर ही देखते हैं वॉर के, जबकि वॉर एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन होता है, कितना सारा प्रोपेगेंडा भी उससे जुड़ा हुआ था। तो मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को टच कर सकूं, उससे शायद फ़ायदा मिला। एंड सेकेंडली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने स्टेटिस्टिक्स यूज़ किए। बहुत बढ़िया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनका मैंने डेटा पहले से इकट्ठा, मुझे लगा कि सोशल मीडिया से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड डेटा जो है वो कहीं ना कहीं फिट होगा, आएगा, और वो हुआ। सोशल मीडिया के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अच्छे एस्पेक्ट्स, बुरे एस्पेक्ट्स, मैंने मेटावर्स के बारे में बात किया क्योंकि फ्यूचर मेटावर्स में है, इस तरीके से करने से शायद मुझे फ़ायदा मिला। सो पंकज, पहले भी हम नोट्स बनाते रहे ऐसे के, मैंने आपका देखा है कि आपकी तैयारी अच्छी रही इस मामले पर, आपने इम्प्रूव काफ़ी किया। सो क्या न्यूज़पेपर्स एग्जाम्पल्स या GS के बेस से कोई कलेक्शन आपने लिया और उसे पहले से प्रिपेयर करके रखे कि ये 8-10 टॉपिक्स हैं मेरे आने वाले हैं? जी सर, एंटिसिपेशन इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर ऐसे में, ऐसे राइटिंग, क्योंकि एक टॉपिक अगर आपका एंटिसिपेटेड आ गया तो आपको वो ऐसे लिखने में 15 मिनट कम लगेंगे, वो 15 मिनट आप अगला ऐसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और आपके फैक्ट्स, आपके एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स, वो सब अगर आप एंटिसिपेट कर पाते तो बहुत अच्छा हो जाता है। जी, नए छात्र वैसे ऐसे के लिए परेशान रहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ ऐसे इज नॉट अ सब्जेक्ट बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सो ग्रेजुअली आप उसे प्रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे करके आप प्रिपेयर करते हैं। आप चूंकि तीसरी बार मेंस दिए, तीसरी बार इंटरव्यू दिए, तो ऑब्वियसली आपको एक पकड़ थी कि ऐसे राइटिंग पर मुझे इस तरह से काम करना है। छत्तीसगढ़ के ऐसे राइटिंग पर किस तरह से आपकी प्लानिंग रही? सर छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले तो हमको ये देखना है पिछले 5-6 साल से किन किन स्ट्रीम्स पे ऐसे आ रहे हैं। हम लगातार देख रहे थे 3-4 साल तो लगातार एक गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम आई, तो हमको जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं उनके आंकड़े, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मिल ही जाते हैं, न्यूज़पेपर से आपको रेलेवेंट इश्यूज मिल जाते हैं, जैसे हाथियों का इशू था तो वो 2020 में शायद आया था, ऐसे इश्यूज जो न्यूज़पेपर में लगातार हाईलाइट होते हैं वो फ्यूचर के ऐसे टॉपिक्स बन सकते हैं। उस पर गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के प्रयास, तो आपको जो भी सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती है, ट्विटर हैंडल्स होती है, उसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी फ्रेमिंग तो छत्तीसगढ़ की वैसी ही होती है जैसे इंडिया की होती है, आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कौन सा टॉपिक आपने डील किया था छत्तीसगढ़ में? सर दंतेवाड़ा मैंने डील किया हुआ था, दंतेवाड़ा मैंने स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं किया था, बट हम हमेशा पढ़ते आ रहे, उस टाइम द नेक्स्ट ब्रांड था दंतेवाड़ा में, जावांगा एजुकेशन सिटी, गीदम, बैलाडीला, NMDC, बहुत कुछ हम पढ़ रहे थे, उसी सब के साथ खेलते हुए
और एक टाइमलाइन बनाई कि 1990 से पहले दंतेवाड़ा कैसा रहा होगा, 90 से 2010 तक कैसा रहा होगा, उसके बाद कैसा रहा होगा, कैसी उसके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, जो भी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं उसको थोड़ा उसमें थोड़ी अपनी इमेजिनेशन और वो कनेक्शन बिठा के मैंने वो ऐसे लिखा था। सो इस तरह के ऐसे के लिए आप मेंटली कितने प्रिपेयर थे सिटी वाइज? कुछ तो गेसिंग्स हमने कर ली थी कि इस तरह से आ सकता है, क्योंकि मैं उसी टाइम पे अबूझ मार गया, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर हलचल मचा रही है। सो अबूझ मार का टॉपिक एक हमने लगभग गेस किया था कि मे बी शायद अबूझ मार पर कोई इनका मामला बनता हुआ दिख रहा है, इस तरह से एक बातचीत हमारी हुई थी। सो सिटी बेस्ड ऐसे के लिए आप कितने तैयार थे? सर जैसा एक हफ्ते पहले ही मेंस के हम मिले थे और आपने मुझे कहा था कि अबूझ मार जो है वो एक ऐसे टॉपिक हो सकता है और वो बन भी गया था, तो हाँ कहीं पर वो दिमाग में कंफर्ट था कि इस टाइप का भी हो सकता है, सोच उस दिशा में गई थी। बस ये था कि आखिरी के एक हफ्ते में फैक्चुअल मेमोराइजेशन मुझसे थोड़ा नहीं होता है करके मैं अबूझ मार के लिए उतना तैयार, क्योंकि फैक्ट्स मेरे पास नहीं थे, लेकिन एक दिमाग में स्ट्रक्चर था और वही स्ट्रक्चर फिर मैंने दंतेवाड़ा पे अप्लाई किया और वहां से मुझे सक्सेस मिल पाया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा पंकज, जो बाकी जीएस के पेपर्स हैं पेपर 3 से लेकर 7 में, उनमें क्या स्ट्रैटेजी विशेष रही? और जैसा आप बता रहे थे पेपर 3 में मार्क्स आई थिंक कम हुए पहले की तुलना में, तो आपने तो अपनी ओर से अच्छा ही प्रयास किया था, तो जो अच्छा प्रयास था उसी के बारे में बातचीत करते हैं। आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में स्ट्रैटेजी वाइज क्या ईजी लगा, छत्तीसगढ़ इतिहास, पॉलिटी पबैड या फिर इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन? सर मुझे इंडियन हिस्ट्री, एक्चुअली हिस्ट्री मेरे लिए मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स है। ग्रेट। कहानी की तरह उसको पढ़ना और उसे सीखना मुझे पसंद है। पहले ऐसा होता था सर, पहले दूसरे प्रयास में ऐसा लगा कि जितना नॉलेज होगा उतने मार्क्स होंगे, फिर समझ में आया कि नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, तो उस डायरेक्शन में गए। वैल्यू एडिशन कैसे किसी क्वेश्चन में आधा नंबर चुरा सके, उस दिशा में सोच गई थी। और 2020 में पेपर 3 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत बढ़िया। इस बार पता नहीं कहाँ रह गया, कि वापस डिक्लाइन हो गया, बट फिर भी मुझे स्ट्रेटजी पे अपनी भरोसा है, अगली बार अगर फिर मेंस लिखूंगा तो फिर उसी तरीके से करेंगे, मे बी इस बार बेहतर हो। बहुत बढ़िया। पेपर 4 मैथ्स साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, इसमें कैसी रही आपकी तैयारी? इसमें जो लोग पहले दूसरी बार मेंस लिख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, टाइम का सबसे बड़ा प्रेशर इसी पेपर में आता है, चाहे आप इंजीनियर हो चाहे आप बीए वाले हो, आपको टाइम का प्रेशर आएगा, तो आंसर को प्लान करना सीखिए। खासकर आप सोचेंगे कि मुझे तो आता है साइंस, 8 नंबर के क्वेश्चन में कहाँ बॉर्डर बनाना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ टेबल बनाना है, बहुत प्लानिंग अगर आप पहले से कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बहुत हॉचपॉच हो जाएगा, आपको आते हुए भी नीटनेस के कारण या टाइम प्रेशर के कारण आपके मार्क्स कटेंगे। और पहले साइंस बना लीजिए, क्योंकि मैथ्स को आप परफेक्ट करने के चक्कर में आप आधा टाइम मैथ्स के पीछे दे चुके होंगे। ओके, तो आपने एग्जाम हॉल में भी एक प्लानिंग सेपरेट करके रखी थी इस पेपर के हिसाब से? जी सर। साइंस में डायग्राम का इनपुट्स किस तरह का रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका? सर प्रैक्टिस करते करते एक सेंस आ गया था कि जहाँ क्वेश्चन दिखे पहले तो एक लाइन बनाओ, उसके बाद सोचना चालू करो। अच्छा। और जहाँ लाइन बनाए उतने में दिमाग चलते कि अच्छा यहाँ पे ये डायग्राम आएगा, उसकी साइज इतनी होगी। ओके। डायग्राम बहुत नीट बहुत सुंदर नहीं बनाना होता है। ओके। मेरा डायग्राम एवरेज ही होता है, इतना होता है कि समझ में आ जाए क्या है। बहुत बढ़िया। आप अगर उसके पीछे टाइम देंगे, मैं फिर से दोहराऊंगा कि पेपर 4 में टाइम का प्रेशर सबसे ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है वहाँ। आपको क्वेश्चन देखना है 8 नंबर का 4 नंबर का, आपको 2 सेकंड के अंदर समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बनाने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। वहाँ बनाया, इधर लिखना चालू कर दिए, फ्लो चार्ट टेबल का यूज जितना करेंगे उतना नीट होगा और उतना ज्यादा आप मार्क्स फेच कर पाएंगे। कई सारे नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, आप तो इंजीनियर रहे हैं, सो उनके लिए क्या एडवाइजेबल है? मैथ्स 6 to 10th वो सीजी बोर्ड की किताब पढ़ लें या एनसीईआरटी पढ़ लें, क्या एडवाइजेबल है साइंस और मैथ्स दोनों के लिए बताएंगे? सर पहले तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऐसा हुआ है 2018 पीएससी में कि एक इकोनॉमिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड वाली ने मैथ्स में टॉप किया था, और इंजीनियर ने इकोनॉमिक्स में टॉप किया था पेपर 5 में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आप किस सब्जेक्ट में मेजर ले रहे हैं? बल्कि ये हो जाता है कि मैथ्स वाले मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते, इंजीनियरिंग वाले कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आपको मार्क्स और एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, कोई बहुत भारी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, ये तो आपको आपके लाइफ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। कल को आपकी सैलरी आएगी, आपको इन्वेस्ट करना है।
ठीक बात सेव करना है, तो आपको सीखना है आराम से, उसका हवा नहीं बनाना है दिमाग में। बहुत बढ़िया। और प्रॉब्लम्स लगाते चले जाओ, आप किसी भी इंजीनियर को बीट कर देंगे पेपर फोर में। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अब पेपर फाइव से बात करते हैं हम लोग, इकोनॉमी ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ का ट्राइबार्ड कल्चर वाला सेक्शन है, करेंट का टच यहाँ पर है, सर्वे बजट किस तरह से आपने इनपुट लिया इसमें? सर पेपर फाइव में अगर आप देखेंगे कुछ तो क्लीशेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बजट का एक सेगमेंट उठा लेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताइए गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे तो आप सीधे सीधे बजट के आंकड़े कोट कर देंगे, कुछ प्रोज एंड कॉन्स। उसके अलावा कुछ होता है एनालिटिकल पोर्शन, जहाँ आपके पास सीधा क्वेश्चन का आंसर नहीं, आपको ठंडे दिमाग से दो चार सेकेंड सोचना है, उसका आंसर बनाना है, और उसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में पूछा, शुगर केन इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में 2020 में पूछा गया था, हमारी यील्ड कहाँ कम है, जो भी प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन देना। प्रॉब्लम और सोल्यूशन बेस्ड बहुत है, क्योंकि उसका ज्योग्राफी भी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है। ठीक कह रहे हैं। और एंटिसिपेशन, वंस अगेन आप दो साल आपने देखा कि लगातार रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चंस आए, एक फिजिकल डिवीजन ज्योग्राफी में पूछ ही रहा है 8-10 नंबर का, तो उससे हर फिजिकल डिवीजन से जुड़ा आप एक आंकड़ा है, करंट अफेयर्स उठा दीजिए, माइग्रेशन पूछा है तो माइग्रेशन के कुछ कुछ स्टेटिस्टिक्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन इंडिया से कितने हैं, या फिर कितना शेयर है रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, उसके फैक्टर्स, थोड़ा एनालिटिकल भी होना पड़ता है पेपर फाइव में। ज्योग्राफी इनफैक्ट फैक्चुअल कम पूछ रहा है, एनालिटिकल ज़्यादा पूछ रहा है, तो प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा पेपर फाइव के लिए। सो इसमें सर्वे और बजट को कैसे मैनेज किया था आपने, क्योंकि अक्सर बच्चे डाउट में रहते हैं सर सर्वे किस साल का पढ़ें, बजट किस साल का पढ़ें, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही सर्वे को लेकर? छत्तीसगढ़ का सर्वे सर जो मेंस होता है उसमें तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आता है, एक साल पहले वाला नहीं चलता है, तो आप उसके दो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं। एक जो मैं पहले अपनाता था जॉब में लगने से पहले, कि मैं एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे उठाता था और उसमें से नोट्स बनाता था, 3-4 दिन लगते थे, बट बाद में वो मेरे को बेनिफिट करता था। अभी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है, तो एक मैगजीन है बीके नायक नाम से, और उसको उठा के हाइलाइटर पेन से या रेड पेन से मार्क कर दो कि कौन से जो पॉइंट स्टैटिस्टिक्स और पॉइंट्स है वो मेंस पे काम आने वाले हैं, और दूसरे कलर के पेन से या हाइलाइटर से मार्क कर दो कौन सा प्री में काम आने वाला है। बहुत बढ़िया। और फिर ऐसे करके आप उसको मैनेज कर सकते, उसको आपने मैनेज किया। ओके, छत्तीसगढ़ के आर्ट ट्राइब कल्चर और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में करेंट अफेयर्स कैसे इस्तेमाल किया आपने? छत्तीसगढ़ की जो भी छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आप देखिए अधिकारी बनने वाले, आपका काम है सोल्यूशन देना। बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट लाना, तो जितनी भी डेवलपमेंट से जुड़ी चीजें होंगी, तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ अच्छा करते, जैसे सुआनाचा में पढ़ और कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो आप सोचो जैसे मैं इम्पीचमेंट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि हमारे यहाँ कोई इम्पीच तो नहीं हुआ, अच्छा मैं एब्सोल्यूट वीटो पढ़ रहा हूँ तो हमारे कौन से प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो यूज किया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली सुआ नाचा पढ़ रहा हूँ, तो सुआ का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्या हमने? बहुत बढ़िया। 2017 में एक्चुअली बनाया है। अच्छा, स्पेशल फैक्ट्स उस पर्टिकुलर मामले पर ढूंढना है, तलाश करना है, कुछ नहीं तो उसको गूगल कर दो, कुछ ना कुछ तो गूगल आपको मिल जाएगा, उसको लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये पहले से आप अलर्ट थे और इसकी तैयारी आप करते रहे? जी, लोग न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स उठा के उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मैं लैटरली जाता था कि मैं सब्जेक्ट देखता था ना, मैं टॉपिक देखता था, अच्छा अगर इस पे क्वेश्चन आया तो मेरे को आधा नंबर कैसे चुराना है, एक्स्ट्रा लेना। हाँ, तो उसके लिए फिर मैं गूगल पे रेफर कर रहा हूँ, हो सकता है न्यूज़पेपर में वो फैक्ट ना मिला हो मुझे, लेकिन वो गूगल में मिल जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेपर सिक्स फिलोसफी और सोशियो के साथ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़ का ट्राइब कल्चर भी है, जिसे मैं इधर शामिल कर रहा था, वो इधर पेपर सिक्स में है। इसके लिए क्या अलग स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि फिलॉसफी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, और दोस्तों जो नए छात्र हैं फिलॉसफी सोशल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर पढ़े जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर जीएस का पार्ट बनाकर पढ़ते हैं। सो फिलॉसफी और सोशियो को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रही पंकज? सोशियोलॉजी और पबैड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ी टर्मिनोलॉजी उनकी भारी होती है, शुरू शुरू में लगती है, आप उनको रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। जैसे एग्जांपल्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेशन पूछा गया, तो नेशनल यूनिटी आती है, कैलामिटी मैनेजमेंट होता है, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। बहुत बढ़िया। कैलामिटी मैनेजमेंट कोविड। बहुत बढ़िया। नेशनल डेवलपमेंट जापान इसराइल। बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो आपका जो कल्चर हिंदुस्तानी कल्चर है वो हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन से आया, कहीं ना कहीं भक्ति सूफी कल्चर एग्जांपल्स। या जैसे एक आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, हमने
स्कॉलर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, पढ़ ली है। मेरे पास दो तीन एक्स्ट्रा लाइन थी, मैंने डाल दिया विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया नाउ वी ऑल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, रियल ग्रुप्स एंड वर्चुअल ग्रुप्स। वेरी नाइस। आप जो देख रहे हैं उसको उतारिए, उतारना पबेड में, पॉलिटी में, सोशो में, यही है कि आप क्या देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ हद तक फिलॉसफी में भी कर सकते हैं, हालांकि फिलॉसफी में इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, मुझे भी थोड़ा डर लगता है उसमें कुछ भी करने से। फिलॉसफी में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, वो ऑन्टोलॉजिस्ट, पॉइंटिस्ट, मोनोइस्ट, प्लूरलिस्ट, वो सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पढ़ते वक्त क्या उसके लिए सेपरेट नोटिंग्स हम करते रहे कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं मुझे अलग से याद रहना चाहिए, इस तरह से कुछ आपने किया? जी सर, मैं आखिरी के दो पेजेस में वो वर्ड्स के लिए अलग से संस्कृत वाले वर्ड्स, हिंदी वाले वर्ड्स लिख देता था, और जितने फिलोसफर्स हैं ना उनकी एक एक बुक गूगल कर ली मैंने। अच्छा, वेरी नाइस। कि और एक एक कोट भी, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब वो कोट्स मेरे को ऐसे में भी काम आ सकते हैं, पेपर 7 में भी काम आ सकते हैं। वेरी नाइस। अंबेडकर सर हो, गांधी जी हो, स्वामी विवेकानंद, एक एक कोट, बहुत बढ़िया, एक एक बुक उनकी आप मेंशन करेंगे, आधा एक नंबर वही आप अर्न कर पाएंगे। मतलब एक तरह से इन्फॉर्मेशन पहले से हमने कुछ कुछ गैदर कर रखा था। आप मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है, सबको 2.5 मिल रहा है, मुझे 3 क्यों मिलेगा? बहुत बढ़िया। इसका जवाब भी ये सवाल खुद है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करेंगे और हर क्वेश्चन टॉपिक पे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन है और इस पे मेरे को आधा नंबर अर्न करना है, तो आपको वो आधा नंबर मिलेगा, और नहीं सोचेंगे सिर्फ पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा पेपर 7 में क्या स्पेशल आपने किया? लाइक पेपर 7 करेंट अफेयर्स बेस ज़्यादा है, उसको कैसे मैनेज किया आपने? पेपर 7 में पहले तो मैं अपनी एक गलती बताना चाहूँगा। 2 साल क्रिकेटर्स पूछे गए, सुनील गावस्कर सर, सचिन तेंदुलकर सर, तो मैंने सोचा फिर से कोई महान क्रिकेटर पूछेंगे, तो मैंने प्रिपेयर किया MS धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। ओके। मेरा दिमाग इस दिशा में नहीं जा पाया कि महिला क्रिकेटर भी पूछ सकते हैं। ओके। और खासकर मिथाली राज मैम और झूलन गोस्वामी मैम रिटायर हुए, बायोपिक भी उनसे पूछ दिया। बहुत बढ़िया। तो ये एस्पायरेंट्स को सीखना है मेरी मिस्टेक से, कि थोड़ा जो आ रहा है उसे एंटिसिपेट करना है, ये तो मैंने सही किया, लेकिन थोड़ा ब्रॉडन होके करंट अफेयर्स को भी साथ साथ लेकर चलना, बिल्कुल, और एंटिसिपेट करते हुए चलते जाए, जो पिछला आया है उससे कुछ। IR को लेकर कैसे प्लानिंग रही, खासकर जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पार्ट है उसे कैसे मैनेज किया आपने? एक तो 2-3 इंसिडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तालिबान हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते थे, हिस्ट्री ऑफ तालिबान भी मैंने प्रिपेयर कर दिया कि क्या पता पूछते, और उसके अलावा फिर आता है इंडिया के पर्सपेक्टिव। ओके। तो इंडिया कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया का इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस वैसे भी पूछता है, और एक हाईलाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो हो सकता है क्योंकि यूक्रेन वॉर में उसका रोल रहा है, क्वाड इकोनॉमिक फोरम, इन सबको मैंने 4-4 नंबर में प्रिपेयर कर लिया था। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका एक स्टैटिस्टिक अलग से निकाल लिया था, हाँ, कि इन्होंने कोविड में कितना डोनेट किया, या फिर जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ तो यूएन की कौन कौन सी एजेंसीज के प्रेसिडेंट्स वहाँ गए। बहुत बढ़िया। क्योंकि अंडर सेक्रेटरी जनरल गए हुए थे, ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजीज, इन सब बॉडीज के चेयरपर्सन गए हुए थे, तो ये सब करंट अफेयर्स कॉमन सेंस है कि आपको इंक्लूड इस टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा वो आप, सो दैट नया कुछ रहे और उसके बेसिस पर मार्क्स मिलते रहे। जी सर। ओके। और 7 में नहीं काम आया तो 2 में काम आएगा। ठीक बात, कहीं तो आएगा, नहीं तो ऐसे राइटिंग में काम आएगा। जी सर। ओके। इसके अलावा इंटरव्यू पर अब मैं आता हूँ, ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा और पिछले 3 सालों में कितना प्रोग्रेस किया आपने, सीखा, डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे बड़ा डोंट है बहुत ज़्यादा पढ़ाई मत करो। आप बहुत कम पढ़ेंगे तो भी स्ट्रेस होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, आपका मोमेंटम खराब होगा। मेरे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स आपको थोड़ा सा थ्रो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, आपका मोमेंटम टेस्ट करना चाहेंगे कि खराब हो रहा है कि नहीं। ऐसा इस साल हुआ मेरे साथ, कोशिश किया। किस किस तरह के सवाल थे जिसमें आपको लगा कि हाँ आपको प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा? मतलब मैंने एक जवाब दिया तो कहा कि आप थोड़े डिप्लोमेटिक हो रहे हो। ओके। अब आप इंस्टेंटली आप सोचेंगे कि यार मैं शायद गलत कर रहा हूँ, बट अगर आप कंपोज रहेंगे आपको रियलाइज होगा कि आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाह रहे हैं, आपको तो डिप्लोमेटिक होना ही है। बहुत बढ़िया। सो कीप योर स्टैंड। और कई बार ऐसा हो कि आप आंसर देना चाह रहे हैं, आपका कंप्लीट आंसर जाने से पहले अगला क्वेश्चन आ जा रहा है। अच्छा, रिपीट कर दिया, मतलब कंप्लीट करने से पहले क्वेश्चन फायर कर दिया, तो वो
ये चेक करने के लिए किया जा रहा है। आप वहाँ अपना ज्ञान देने नहीं गए हैं, बहुत बढ़िया, आप वहाँ अपनी पर्सनैलिटी दिखाने गए हैं। आप अगर सोचेंगे कि मैं पूरा अपना ज्ञान वहाँ उड़ेल दूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे और वो फ्रस्ट्रेशन आपके चेहरे पे दिखेगा, मार्क्स कट जाएंगे। ओके, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता था कि और ठीक करना चाहिए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर कुछ खास मुझे चेंजेस का तो नहीं लगा। एनर्जी लेवल अपना हाई रखना होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है कि हमेशा सातवें आठवें नंबर पे मेरा इंटरव्यू फंसता है। अच्छा, इवनिंग वाले टाइम में? नहीं, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में, लंच के जस्ट पहले। ओके ओके ओके। तो वहाँ पर हमको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से, ये लास्ट वाले में मैंने किया कि मैं कॉफ़ी वॉफी लेके चले जाता था और वहाँ पे क्या बोलते हैं पीता था। ओके, ताकि चार्ज अप एनर्जी एनर्जी का इशू बहुत होता है इंटरव्यू में, थकान होती है बैठे बैठे। हाँ, और अगर आप मतलब चाहेंगे कि मैं हमेशा ऐसा कहा जाता हूँ कि स्माइल करो या सीरियस रहो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, जो आपके अंदर से जैसी एनर्जी आ रही है उसको रेडिएट करना है। बहुत बढ़िया। सो ऐसा इंटरव्यू में कोई विशेष बात हुई, जैसे आपके हॉबी पर कोई सवाल किया गया हो? यस सर। हॉबी क्या है आपकी? सर चेस और महाभारत मैंने मेंशन किया हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया। तो चेस से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का नाम पूछा था। अब यहाँ पर भी देखिए, आप किसी सेलिब्रिटी का नाम ले रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में उस फील्ड के टॉप पे हैं, तो आप सिर्फ मैग्नस कार्लसन बोलेंगे और आप ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन बोलेंगे, दोनों में फ़र्क है? फ़र्क है। ओके, तो ये एक फ़र्क हो जाता है। आपको टोका गया इस चीज़ के लिए? नहीं सर, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड। एक्चुअली चेस के जो फैंस होते हैं ना, वो लोग मतलब हम लोग कैजुअली भी बात करेंगे तो हमारे मुंह से ग्रैंड मास्टर निकलता है, आई एम इंटरनेशनल मास्टर निकलता है। तो वहाँ पर एक रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए उनके पास, वो डेजिग्नेशन है। हाँ, वो चेस में ऑलरेडी वो एक पार्ट ऑफ कल्चर है चेस फैंस के लिए कि हम लोग के मुंह से ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद आता है, तो वो निकला लग के लिए। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा महाभारत से भी मुझसे जो है राजकुमार अर्जुन और अंगराज कर्ण के विषय में पूछा गया था। अच्छा। दोनों की एक एक प्लस और माइनस पॉइंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका फेवरेटिज्म होगा, दोनों में से कोई एक आपको पसंद होगा लेकिन वहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ के लिए प्रिपेयर होना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। सो पंकज, ओवरऑल इस पूरी 3 साल की मेहनत में कोई ऐसा पॉइंट जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो कम से कम नहीं करना है? हाँ सर, दो चीज़ें। YouTube पे आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे जो बोलेंगे 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, उन चैनल्स को हो सके तो ब्लॉक ही कर दो, ठीक है। रियलिस्टिक आप लंबा गेम खेल रहे हो। बहुत बढ़िया। और ये तैयारी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करनी चाहिए जो कि 12 घंटे पढ़ने से नहीं होती। चलो 6 महीना ऐसा कर लिया, जिंदगी भर नहीं कर सकते ना आप। ठीक बात है। सेकेंड चीज़, ये मत सोचिए कि मैं ये भी किताब पढ़ूंगा, ये भी किताब पढ़ूँगा। मैं लूसेंट से पढ़ूंगा, टुटेजा से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फंस जाएंगे तो मैं सोचूंगा मैं टुटेजा से पढ़ूंगा। अगली बार विनय कुमार पाठक से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, मैं पढ़ूंगा मैं विनय कुमार पाठक पढ़ूंगा। ठीक बात है। एक किताब ये होना चाहिए कि उस एक क्वेश्चन से, एक बुक से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत है। तो सारे टॉपिक को वृहद तौर पर अच्छे से कवर करना, जबकि मल्टीपल जब भी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपको नुकसान तो होता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। और खासकर मुझे लगता है जो मेंस के जो दिन होते हैं जिसमें लगातार पेपर्स देने होते हैं, उसके लिए कोई आपकी अलग स्ट्रैटेजी थी मेंस को लेकर? सर सेकेंड हाफ वाला पेपर जो होता है लंच के बाद नींद आती है, तो मैं लंच थोड़ा लाइट करता था और वही ब्लैक कॉफी पी लेता था जिससे कि फ्रेशनेस रहे। कभी कभी ज्यादा लगे तो शावर ले लिए, मतलब अपने आप को फ्रेश रखो, एनर्जी अपनी एनर्जी पे वर्क करो। और मैं उन 4 दिनों में पढ़ाई नहीं करता था। ओके, वेरी नाइस। अच्छे से घूमो, मूवी देखना है चले जाओ, कॉमेडी शो अटेंड करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रेशर नहीं है आपने उन 4-5 डेज में? जितना ठंडा दिमाग रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। पेपर 1 खासकर इस बार हुआ, पेपर 1 टफ आया था पिछले बार की अपेक्षा। जी, अब अगर कोई इंसान बहुत दिल पे ले लेगा उसका मोमेंटम वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और आप सोचोगे ठीक है 1 है बाकी 6 है तो हो जाएगा। बहुत सारे फ्रेशर्स को लगता है कि सर एक अटेम्प्ट में निकालने का कोई जादू बताइए, कोई ऐसा पैकेज बता दीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम ट्राई करें और निकाल लें, क्या कहना चाहेंगे युवा साथियों को? सर कोशिश तो यही होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाना है, लेकिन भावुक नहीं होना है। जी, मुझे भी शुरू में कहा गया कि 2-3 अटेम्प्ट लग जाएंगे, लंबा गेम है, तो मैं भी सोचता था कि अरे नहीं मैं तो कर दूंगा,
अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो हताश नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, खेल की तरह खेलो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। क्योंकि आप ऑफिसर बन भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आप एकदम वो सिंघम वाला हो रहा है, इमीडिएट रिफॉर्म कर लें, सुधार कर लें। 2-3 साल आपको चीजें समझने देखने में लगता है, आपके हाथ में जेन्युइन अथॉरिटी आने में लगता है। जी, तो धीरे चलना सीखना पड़ेगा, सिंसेरिटी पूरी रहे लेकिन कंपोजर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया पंकज, ओवरऑल इन 4 सालों में कई बार ऐसा भी लगा होगा कि होगा नहीं होगा मुझसे आगे बढ़ पाऊंगा। ऑलरेडी आप जॉब में थे, एक सिक्योरिटी तो थी आपकी, उसके बावजूद भी क्या कोई ऐसा दौर आया जब लगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, इस तरह की कोई स्थिति आई? सर अभी जब रिजल्ट अटक रहा था ना, हाँ, अब ऐसा लग रहा था कि मैं तो देने को तैयार हूँ अपना एफर्ट, पर एग्जाम तो तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था मैं टेम्पररीली, फिर लकीली रिजल्ट भी आ गया, अगला मेंस भी हो रहा है। और सर सेल्फ डाउट और फियर आएगा, बात नहीं कितनी देर आएगा, आधा घंटा, एक घंटा, उसके बाद फिर पढ़ लें। बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल इन 4 सालों में आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दी आपको और फाइनली आप DSP के पद पर। पंकज, कोई ड्रीम ऐसा आपने सोच के रखा था, छत्तीसगढ़ एक अपकमिंग स्टेट है, काफ़ी कुछ करना बाकी है छत्तीसगढ़ में, तो किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा ड्रीम है सर और अब चूंकि मैं DSP हो गया हूँ, सक्षम पद पर आ गया हूँ, तो ये काम मैं करना चाहूँगा, ऐसा कोई काम आपने सोच रखा हो? सर पहले जैसे मैंने बताया कि सबका ड्रीम DC होता है, तो उस टाइम ये ड्रीम था कि जो मासेस हैं वो गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम योजना से अवगत नहीं होते हैं। ओके ओके, अवेयरनेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक चीज़ होना चाहिए, प्रोग्रेसिवनेस अवेयरनेस। और अभी इस तैयारी के दौरान मैंने एक चीज़ देखा ना कि ह्यूमन रिसोर्स इशूज़ बहुत अंडररेटेड है, मतलब बहुत बढ़िया लोगों को, चलो जिनको स्कूल जाते नहीं बन रहा है वो तो ठीक है, जो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। ठीक बात। उनको खेलना नहीं सिखाया जा रहा है क्योंकि लाइफ में खेलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेज करना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को मैनेज करना, सोशल मीडिया पे उन थॉट्स से दूर रहना जो आपके इमोशंस या डिजायर्स को ट्रिगर कर रही है। तो अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स, मतलब मैं खुद ही यंगस्टर हूं, तो जितने ज्यादा न्यू एस्पायरिंग लोग हैं, कमर्स हैं, उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं और उनको बता सकूं कि भाई ये नहीं करना होता है और ये करना होता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों वाकई इस जर्नी में बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप सोचते हैं कि सब कुछ कर लें और पद पाते ही सब कुछ चमत्कार नहीं हो सकता, जैसा पंकज ने भी कहा आप सिंघम नहीं बन जाते अगले दिन। पंकज, इसके अलावा पात के साथ आपकी यात्रा टेस्ट सीरीज में रही, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसके बाद लगातार हम ऐसे राइटिंग पर काम करते रहे आपके साथ, और पात में एक ट्रेंड हमने बना के रखा है, चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ाई किए हों, यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो बिल्कुल आपको टीचर्स मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका अनुभव? सर मैं पात है इसको थैंक करना चाहूँगा कि बहुत ग्रिल किया मेरे को टेस्ट सीरीज में तो जो गलतियाँ थी वो समझ में आई, मतलब ना अच्छा लिखने के बाद मार्क्स क्यों नहीं आ रहे ऐसा लगता था, फिर समझ में आया कि और उसमें कितना सुधार करूँ जिससे कि मार्क्स एक्स्ट्रा मिले तो वो बहुत फायदेमंद रहा। सर फिर आपके साथ जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि मेरे ऐसे में 30 मार्क्स प्लस हुए हैं वापस जी, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। सो ओवरऑल एक लंबी जर्नी रही पंकज, और हम आशा करते हैं और शुभकामनाएं भी हैं कि आप DC यदि देना चाहते हैं फर्दर एग्जाम तो DC पद तक पहुँचें, अदरवाइज ये भी पद बहुत काम का है, काम करने लायक पद है, और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और जाते जाते एक छोटा सा मैं संदेश चाहूँगा युवाओं के लिए कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ समेट कर कहना चाहें तो। जी सर, सबसे पहले तो वही जो मैंने दो चीज़ें कही थी कि बहुत ज़्यादा भटकना नहीं, बहुत ज़्यादा भारी जी ऐसी चीज़ों से दूर रखना जो आपकी एनर्जी को सक कर रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, और कंपोज्ड रहो, जितना कंपोज्ड रहोगे अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लो। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि आप यॉट में पार्टी कर रहे हो साल भर, आपको चैलेंजेस ही फेस करना है, तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप किए रहो, फैमिली से फ्रेंड्स से टच में रहो, लाइफ को आराम से जीते रहो। बहुत बढ़िया। तिल्दा शहर के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपका शहर है, आप वहाँ से हैं, सो हर छात्र का एक कनेक्शन होता है अपने शहर को लेकर, तो कुछ कहना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं?
जी तिल्ला, पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं होम टाउन में आते रहता हूँ बीच बीच में, यदि आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी हो तो मैं डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे स्कोर को आप लगातार बीट करते चले जाएँ। बहुत बढ़िया, तिल्ला वाले करेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा खुशी होगी मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है पंकज, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करते रहें, और इस वीडियो के को देखने के बाद भी आपके मन में क्वेरीज हैं तो बताइएगा, और पंकज बहुत जल्दी लाइव होंगे हमारे साथ क्लासरूम में, उनको लेकर आएंगे, तब उनके डाउट्स आपके डाउट्स और उनके समाधान होंगे, तो ज़रूर उनसे और मुखातिब करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे, पंकज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।